हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम 10th क्लास की इंग्लिश और 10th क्लास की इंग्लिश का ट्रांसलेशन का पार्ट है फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन का। इसमें आपको हिंदी से इंग्लिश बनानी होती है यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 5 नंबर आपके पक्के करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन का पार्ट समझिए। आपको हिंदी में इस तरीके से मिल जाएगा आपको एक पैसेज और इंग्लिश में ट्रांसलेशन हेडिंग लगा के इसको ट्रांसलेट करना इंग्लिश के अंदर। तो देखिए कौन सा सेंटेंस है और कैसे आपको ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस है पहला, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे। ओके, पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, ईजी है, बन जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो क्या जाएगा सुभाष चंद्र बोस क्या थे, सपूत थे, था थी थे क्या लिए आता है वोज, तो क्या थे सुभाष चंद्र बोस वॉज आ वो थे क्या, ग्रेट, ग्रेट होते हैं महान, सन होते हैं सपूत या पुत्र ऑफ किसी, मदर इंडिया भारत माता के। तो सुभाष चंद्र बोस भारत माता के क्या थे, सपूत थे। ओके, या पुत्र थे, कौन थे, महान थे। तो सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट सन, सुभाष चंद्र बोस महान सपूत थे ऑफ मदर इंडिया भारत माता के। अगला सेंटेंस है, उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। ओके, ये सेंटेंस है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है फ्रेंड्स। तो देखिए बनाइए इसको, ही इज़ नोन, उन्हें जाना जाता है, जहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ही इज़ नोन, उन्हें जाना जाता है द नेम, किसके नाम के द्वारा, नेताजी, उन्हें नेताजी के नाम के द्वारा उन्हें जाना जाता है। ओके, पैसिव वॉइस है। अगला सेंटेंस है, उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। ओके, पास्ट का सिंपल है, इसको भी बनाइए, उनका जन्म 23 जनवरी 1897 कटक में हुआ था। देखिए कैसा सेंटेंस बनेगा, ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था, ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था ऑन 23 जनवरी को, कब हुआ था, 1897 इन कटक, कहाँ पे, कटक में, जहाँ कटक के अंदर हुआ था। ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में इन कटक, कटक में। ओके, कटक में, तो उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस समझिए कि उनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस था, उनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस था। ये भी पास्ट का सिंपल है, बनाइए इसको, नो एक्शन सेंटेंस है, कोई एक्शन नहीं है इसमें। ओके, विदाउट वर्ब के बन जाती हैं और नो एक्शन वाले सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हिज फादर उनके पिताजी का, देखिए अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता काकी के। ओके, उनके पिताजी का नाम था श्री जानकीनाथ बोस, उनके पिताजी का नाम क्या, श्री जानकीनाथ बोस था। ओके, हिज फादर नेम, उनके पिताजी का जो नाम था बोस था, श्री जानकीनाथ, उनके पिताजी का नाम श्री जानकीनाथ बोस था, क्या था, बोस था। अगला सेंटेंस देखिए, वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। ब्रिटिश शासन का मतलब अंग्रेजों से, तो वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे, मतलब आज़ाद कराना चाहते थे। तो देखिए ही वॉन्टेड, वह चाहते थे सब्जेक्ट प्लस, ये पास्ट का इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही वॉन्टेड टू मेक, बनाना या करना, देखिए इंडिया को फ्री आज़ाद, तो वह इंडिया को आज़ाद कराना चाहते थे किससे, फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, किससे ब्रिटिश गवर्नमेंट से ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे, फ्री कराना चाहते थे। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए इजी है, सब्जेक्ट आया वर्ग की सेकंड फॉर्म आई होगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आया यहाँ पे। ओके आपको क्या करना है, उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको फिक्स कर देना है सारे वर्ड्स को, आराम से इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। तो ही वॉन्टेड, वो चाहते थे टू मेक इंडिया को फ्री कराना चाहते थे फ्रॉम किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, किससे, सरकारी, मतलब क्या है, ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। ओके, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और ऐसी नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए वेल